नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है कि दो राज्यों के चुनाव कंप्लीट हो गए हैं। 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव हुआ और उसी के साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और चुनाव संपन्न होने के बाद, यानी कि वोटिंग संपन्न हो गई है, उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। और एग्जिट पोल जब हम लोगों ने टीवी चैनल्स पे देखना शुरू किया तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ें नतीजे दिख रहे हैं एग्जिट पोल के कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ऐसा लग रहा है हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है और दूसरी कश्मीर में पूरी तरह से सफाया हो चुका है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है इसकी विश्वसनीयता कितनी है, क्या ये नतीजे में कन्वर्ट भी होते हैं या नहीं होते, और इसमें क्या फ़र्क क्या रह जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल है, अभी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने अपना अनुमान रखा था। एग्जिट पोल एक अनुमान है, इसमें गलतियां हो सकती हैं। और चुनाव के जो नतीजे आते हैं वो तो रिजल्ट होता है, उससे इसको कंपेयर करते हैं कि अनुमान हमने क्या लगाया था और रिजल्ट जो आया वो क्या है। तो दोनों में आमने सामने देखा जाता है तो पता लगता है कि एग्जिट पोल कितना करीब था नतीजे के। तो दोस्तों, जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद भी एग्जिट पोल आया, और उसके बाद जब देखा गया एग्जिट पोल ने किसको कितनी सीटें दी, तो उसमें ये पाया गया कि कोई भी एग्जिट पोल हो, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को और NDA को पूर्ण बहुमत वाली सरकार दिखाया था। और ये दिखाया था कि NDA को 300 से ऊपर सीटें मिल रही हैं, 300 से ऊपर और 350 तक सीटें दिखाई कुछ एग्जिट पोल ने। अब अकेले भारतीय जनता पार्टी को दिखाया कि ये पूर्ण बहुमत को क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि अकेले भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत को क्रॉस कर रही थी, मतलब 272 सीट से ज़्यादा ला रही थी, एग्जिट पोल ऐसा दिखा रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए और नतीजों में जब देखने को मिला जून के महीने में कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था एक तरह से। जो ये एग्जिट पोल आते हैं, पूरा NDA सोच लिए 292-293 सीटों के आसपास रहा, मतलब कहाँ ये 350 तक दे रहे थे, और अकेले भारतीय जनता पार्टी को बता रहे थे कि ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। और लेकिन वो जब 240 पर रुक जाती है तो दोस्तों क्वेश्चन उठता है इन एग्जिट पोल पर भी, क्यों फिर उसके बाद आदमी ये सोचता है कि ये एग्जिट पोल इतने ज़्यादा गलत तरीके से सामने आ जाते हैं, मतलब इतना फ़र्क रिजल्ट और एग्जिट पोल में। आखिर एग्जिट पोल जो होता है उससे जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसको, वो तो एक साइंटिफिक मेथड है, और साइंटिफिक मेथड में इतनी भारी गलती, ये जनता का जो मन है उसको हिला कर रख देता है। क्योंकि हम सब एग्जिट पोल के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर दोस्तों इन दो राज्यों की बात करें, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर की, तो हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी को 20-22 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा अगर सीटें आएंगी तो 30-32 सीटें आएंगी, इतना अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 70 सीटों तक का अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं 70 सीट मिल जाएगी। और बाकी सरकार बनाने में तो कोई दुविधा नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना लेगी, इंडिपेंडेंट को 1-2 सीटें मिलेंगी और नहीं मिलेंगी, मतलब ऐसा भी एग्जिट पोल बता रहा है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो जम्मू का रीजन है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है BJP एग्जिट पोल में, और कश्मीर में एक तरह से सफाया ही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो सरकार बनती हुई दिख रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलाकर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, और मजबूत सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये अगर चीज़ नतीजों में तब्दील नहीं होती है, जो कि अभी 8 तारीख को आएंगे नतीजे, अब दोस्तों 8 तारीख को हमें पता लग जाएगा कि ये जो एग्जिट पोल हो रहे हैं
ये कितने सच्चाई के आसपास है। दोस्तों इसकी विश्वसनीयता हमको वहीं से पता लगेगी कि आखिर एग्जिट पोल और रिजल्ट कितने पास पास में है। लोगों का मन इससे कितना और हिलेगा ये तो तभी पता लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जब नतीजे आएंगे तब मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा और तब कंपेयर करेंगे कि एग्जिट पोल कितना हमारे जो सच्चाई है उसके कितने करीब है। धन्यवाद दोस्तों।